जाएगा, कसीनो जाएगा तू। हाँ तो अब देखो यार, यहाँ पे इतने पैसे मुझे मिल रहे वो सॉन्ग के, तो अब इंडिया में मैं भाई क्यों रिलीज करूँ? इंडिया में फिर मुझे लगाना पड़ेगा स्टोरिया, मैं बोलूंगा पुनीत भाई मेरा सॉन्ग आ रहा है, प्लीज स्टोरी लगा दियो, प्लीज सपोर्ट पनौनी भैया, फिर मैं लाइव चलाऊंगा नीचे, फिर वो पिन करूंगा कि ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, भाई का सॉन्ग रिलीज हुआ है तो प्लीज सपोर्ट करो भाई को, ये सारी चीज तो करना पड़ता है, देखो क्या करें। हाँ ठीक है, तो फिर मेरे को ये सारे लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है भाई। एक बंदे ने सॉन्ग लिखा, अब उसने भी भाई देखो सूफी भाई, उसने भी बकचोदी में लिख दिया था सॉन्ग, उसको खुद को नहीं पता होगा कि भाई ये सॉन्ग बैंजो सोने का बन जाएगा इधर, राइट? तो अब क्या करे भाई बताओ पुनीत भाई, अब तुम खुद सोचो, सीधे सीधे मुझे सॉन्ग के पैसे मिल रहे हैं तो भाई मैं क्यों सॉन्ग में उछल कूद करूं? सही कह रहा है, पैसा ले, पैसा हाँ पैसा हाँ कमा। तो हाँ पनोरी सर, मतलब आप ये बोल रहे बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है, राइट? ये तो मेहनत भी कर बिना मन, लेगा मैडम, अरे मेहनत बिना भी कर लेगा, मेहनत के करवा कैसे यार, आज इस स्टेज पे पनौड़ी पहुंचा पागल या है। उसके लिए उसने एफर्ट नहीं लगाया क्या? सोफी भैया मुझे ऐसा क्यों डाउट हो रहा है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ऐसा? भाई तुम ले लो, आज से तुम्हारी भाई, पुनीत भैया तुम भी ले लो भाई। ना ना, मेरे को नहीं चाहिए भाई। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। सूफी पे तो पहले ही ऑलरेडी चार चार शादियां कर रहा है ये आजा सूफी ने। आजा हैंचोद, आजा करवा दी मेरी मेरी बेस्ती, आजा इधर, आजा आजा इधर आ। सर डाउट, ये जो डाउट होता है ना सर, ये डाउट ही होता है, दैट इज नॉट ट्रू। सूफी एक ही अरे ये कमरे में हो, लड़की अलग के अलग साथ कमरे में हो। बैठी है यार, राज राज के साथ बैठती है ये लड़की लाइव आई पे, तो मैंने देखा हुआ इनको ऐसे ऐसे तो लाइव पे देखा हुआ मैंने, कोई ऐसी राज के बात साथ नहीं है भाई। बैठी हो तुम, राज तो पक्का तुम्हें वीडियो कॉल करता होगा, यू बता सच बता। सर देखो मैं बताती हूँ, अच्छा ये जो वीडियो कॉल वाली चीज होती है ना, दोनों साइड से होती है, ठीक है ना? तो वो वैसे नहीं करता, वो मुझे तो अच्छा नहीं करता, ठीक है? अगर किया होता तो मैं बता देती हूँ, ये वीडियो कॉल वाली टीम नहीं रखती मैं। तो कौन कौन सी स्कीम रखती हो जरा हमें भी तो बताओ। सीन सर, पनौड़ी लाइव थोड़े की से बाल बैठती ऐसे हूँ, घेरी हो करती हूँ आंखों पे, मैं अपने काम आंखों पे को, थोड़े इतनी से ऐसे मेहनत। भाई, ऐसे घेरी हो आगे आगे की तरफ, नहीं, आंखों हटा मत, थोड़े आंखों की तरफ ऐसे थोड़ा आगे, हाँ, और इसको, इनको भी, इनको भी। अरे एक बार यूं करियो, यूं, ओए वाह नहीं, अब इसमें तो एक डायलॉग बनता है, राइट। हार के ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उसमें वो हिला रहा है ऐसे, पानी बानी उड़ता है ना, वो पानी बानी उड़ता है ना जब वो निकलता है ऐसे, अपना सूफी हेलमेट तू निकालता है, ही फिर लइयो, बोलता है हार के जीत। सूफी अपनी जटाएं तू ही लइयो। भाई रुक जा, मैं तो मेरा कुछ नहीं हिल रहा भाई, मेरी बॉडी जटा, पूरी स्टिक। ये तो शिव शिव धारण वाली जटाएं हैं, ये तांडव करेंगे, ये तांडव करेंगे, तांडव सर। ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है यार, ये तो गिरा हुआ इंसान की गर्लफ्रेंड है, 29 लुविट, ये तो बाबा अच्छा भाई की गर्लफ्रेंड है। अब मुझे पता चला सर, सर सर पनौड़ी सर, मेरा नंबर तो नहीं है, आप मेरी रोस्टिंग मत करना, मैं रोने लगूंगी। नहीं तू वही है ना जो सोना के साथ मेरी बेइज्जती कर रही थी तू लाइव पे, के कौन है पनौड़ी उस टाइम क्यों? जानती नहीं थी, आप बताओ मुझे, फिर मैं जानी आपको, मैं सोना के थ्रू ही जानी आपको, मैं अभी लाइव में बैठती, मैं पहले नहीं जानती थी। ये बस पनौड़ी बंदी भैया सही पकड़ लिए आप, आपने सही पकड़ लिया। ये बंदी सोना को ये बोलती थी
कि तू पनौली से पूछे इतनी पागल क्यों है, कौन है ये पनौली? देखो सुनो सुनो, पनौली से एक बात बताओ मुझे, हम किसी को भी जानने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है ना, फर्स्ट टाइम पे हम नहीं जान पाते ना। हाँ हाँ, तुझे तो शादी करनी थी ना मुझसे, इसीलिए तू इतने टाइम से जान रही थी। मत करो मेरे साथ, मैं रोने लगती हूँ छोटी छोटी बातों पे। पनौड़ी कोई नहीं, पर्सनली जान लेगी तेरे को, वीडियो कॉल कर लेना इनके पास पर्सनली ना, ठीक है पनौड़ी? अरे इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है पुनीत भाई, दो तीन लाइन में, कौन है पनौड़ी? क्यों इसके पीछे लोग इतने पागल हैं? सुनो सुनो, आप मेरा मेरे से बदला लोगे? क्या हुआ? बदला तो नहीं लोगे, बदला रिवेंज? आईडी उड़ा दो बस इसकी भाई। आप देखो सुनो, आईडी अगर उड़ गई तो फिर मैं रोऊंगी। अरे आईडी मैं उड़ाऊंगा, बाबा इसका बॉयफ्रेंड है, बाबा मुझसे रिवेंज लेगा। सर प्लीज प्लीज नहीं, नो। और पुनीत भाई बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, बहुत दिन बाद दिखाई दिए तुम। जिंदगी में भाई जिम चल रहा है, जो चलता है। अच्छा अच्छा, पुनीत पुनीत भाई कितने साल हो गए यार आपको जिम करते हुए? भाई भाई 7-8 साल हो गए। अच्छा, फिर तो भाई 7-8 साल वाली लड़कियां भाई नीचे गिरा देते होगे आप जाते ही। भाई सब लड़कियां गिर जाती होंगी भाई आपको, जैसे इंस्टाग्राम खाली कर दिया आपने, पूरी लड़कियां भाई खलास। जिम में भी जाते होगे भाई, लड़कियां सब पीछे पीछे आती होंगी आपके। ये बात तो है भाई, है ना भाई? पुनीत भाई ने भी बहुत कैर मचा रखा भाई, इंस्टाग्राम पे भी बहुत मचाया हुआ भाई। ओहो देखो भाई, देखो जरा, ओहो देखो, सब बहन जी हैं अपनी, बहन बेटी हैं सब बेचारी, उनसे क्या बोले किसी से इंस्टाग्राम। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तुम लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं बहन है बहन है बहन, या लड़कियां कुछ होती है भाई है। अरे हमारे पास ऑलरेडी एक भाई है तो हम उस भाई में खुश है, या सबके पास बहन होती है, नाम लेके बोलो सबको बहन बहन बना लेते हो। अब दो जवाब पुनीत भाई, अब दो जवाब भाई, राइट? मुझे मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अरे बीवी तो एक ही बनती है भाई, राइट? भाई तूने तो चार बना रखी है। अरे मैं तो हूँ फॉरनर ना भाई, इंडियन थोड़ी हूँ मैं भाई, बाहर से हूँ मैं, अपने इंडिया की बात हो रही हिंदी में। हाँ जोर का फॉरनर है भाई, क्या हिंदी है तेरी भाई सूफी, मजा आ गया। अरे भाई मैं अभी क्या करूं भाई, मेरी सारी फैमिली, मैं भाई सारी जिंदगी फॉरेनर, भी मैं 3-4 साल से इंडिया में हूं तो क्या करूं भाई बता। तूने तूने फॉरेनर होके 4 शादियां करा की है, फॉरेनर होके पनौड़ी ने एक नहीं कर रखी, जो मिलती है वही साला धोखा दे जाती है। सही बात है। मुझे तो भाई प्यार में सिर्फ धोखा ही मिला और कुछ नहीं मिला साला, धोखे ने मुझे, मैंने धोखे हो रखी है, मैंने धोखे को भी पूछा, मैंने धोखे को भी पूछा कि भाई तूने मुझे धोखा क्यों दिया, तो धोखे ने मुझे ये बोला कि भोसड़ी के मैंने तो तुझे दिया लेकिन तूने लिया क्यों? लिया क्यों? बस आपको ये साउंड आया, ये वाला साउंड आया, धोखा 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 दिया दिया दिया। तुझे देख के मुझे ठोका 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 वो साउंड आ रहा है मुझे। बात बताओ सर, एक बात बताओ मुझे, आप सच्ची में धोखा मिला, मतलब रियल में धोखा मिला आपको? पूरे इंस्टाग्राम को पता है, तुझे पता नहीं है पगली? अगर तूने मेरी स्टोरी सुन ली ना तो तू मेरे प्यार में बह जाएगी, तुझे लगेगा कि यार कितना सच्चा इंसान है यार, कितना मतलब कितना प्यारा, इतनी खूबसूरत। सबको पता है यार, पुनीत भाई को भी पता है, सूफी पूरे इंस्टाग्राम को पता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? सर इसीलिए मैंने जब आपका स्टार्टिंग में पूछा ना ये कौन है, क्योंकि मैं अभी लाइव हूँ, मैं लाइव में नहीं बैठती, मैं किसी को कोई पता ही नहीं था मेरे को, और मैं उसी के मुंह पे पूछ लेती ये कौन है, तो गलत इंप्रेशन पड़ जाता था मेरा। कभी आना, गंदा गंदा सुन, कभी आना फुर्सत से वीडियो कॉल पे, मैं तुम्हें मेरी दास्तान सुनाऊंगा भाई, तुम रो पड़ोगी, सच बोल रहा हूँ। मैं ऑलरेडी जिंदगी में बहुत रोई हूँ और आपकी आपकी दास्तान सुन के और रोना चाहती हूँ। बहुत कुछ खो भी देगी फिर पनौड़ी की दास्तान सुन के। धोखा लाइफ में मिलना चाहिए, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्ट्रांग बनते हैं। अगर भाई पनौड़ी भैया तेरे को डीएम में रोना है, सुन ओ लचकी, अगर तेरे को डीएम में रोना है तो भाई पनौड़ी भाई,
अगर रियल में रोना है तो भाई पुनीत भाई, भाई अब तू देख ले भाई। तो ये डबल मीनिंग में बात थी, एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही। अरे डबल मीनिंग में नहीं, वो तेरे को भाई स्टोरी सुनाएंगे ऐसी तू रोएगी भाई। पुनीत भाई ऐसे पकड़ के ना भाई क्या करेंगे भाई, तू रो देगी। पता है आपको, वैसे भी मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बातों से ही रो जाऊंगी, मैं सर की स्टोरी सुन के रो जाऊंगी। बट मुझे ना जब सर, मतलब मैंने सुना था सर को धोखा मिला, तो कभी कभी लगता था कि ये रियल है या पता, समझ में नहीं आता था। बट धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उस चीज से हम बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। अरे कुछ दे धोखा वोखा कुछ मत होता है भाई, सब खेल है भाई, सब मोह माया भाई, समझी। अब देख भाई पुनीत भाई, भाई किसी को धोखा नहीं देते, किसी के पीछे है, वो किसी और के पीछे है, और जो देखियो कितनी जोर से आपके पीछे, तो ये सब सर्कल है, पीछे पीछे पीछे, कोई किसी के साथ नहीं होता। तुम भी किसी के आगे लग जाओ, कोई तुम्हारे पीछे लग जाए, भाई दुनिया ऐसे चलती रही, साइकिल। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। यहाँ इमोशंस, प्यार, ये सब नौटंकी है। प्रैक्टिकल अगर लाइफ में कुछ नहीं है, ये सब घंटा कुछ नहीं है साला, सब फालतू चीज होती है यार। मेरे को ना अब समझ जा क्या हुआ कर रही है। देखो भाई पुनीत भाई प्रैक्टिकल आदमी है भाई, ना तो धोखा देते हैं ना तो प्यार करते हैं भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है। जो इनको करना वही करते हैं, ये करते हैं वर्कआउट, समझे। नहीं नहीं ये आज के पुनीत भाई, अब तुम कब तक वर्कआउट करते रहोगे यार, कब तक तुम अब प्री वर्कआउट लेते रहोगे? प्री वर्कआउट पुनीत भाई, तुम मतलब के पुनीत भाई देखो, अब तुम्हें सोचना चाहिए यार शादी ब्याह के बारे में। पुनीत भाई इतने यार, यार कभी कभी पुनीत भाई मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तुम्हारी प्रोफाइल खोल के मैं रो देता हूँ यार। सर इनकी प्रोफाइल खोल के रोना आता है क्या? अरे मतलब कि मेरा इतना, मेरा छोटा भाई है ये, ही इज माय ब्रदर, तो मेरा छोटा भाई इतना हैंडसम बट बहुत सीधा बंदा है यार ये, पता नहीं यार इतना भाई इतना सीधा है ये बंदा भाई। जब मेरी पहली बार इससे बात हुई ना, तो मतलब मैं इम्प्रेस हो गया। मैंने बोला भैया कैसे हो, तो बंदे ने बोला कि बस अभी तेरी भाभी से मिल के आया। मैंने बोला यार क्या बनको भाभी जी क्या करती है, तो बोला कि डॉक्टर है भाई। भाई मैंने 15 दिन बाद पूछा, मैंने बोला भाभी जी कैसी है, तो बंदा बोलता है कि भैया ब्रेकअप हो गया हमारा। तो मैंने बोला मैं तो सीरियस हो गया था बात को लेके। मनोरी सर आप देसी खाना खाते हैं, मतलब लाइक वही वेस्टर्न कल्चर का सारा करते हैं, या मतलब आप खाते हो देसी खाना भी खाते हो, इंडियन फूड? इंडियन फूड तो मतलब कभी कभी मिल जाता है तो खा लेता हूँ मैं। इसको मेरी कितनी फिकर हो रही है सोफी भैया। नहीं सर देखो, मैंने आपको नहीं जानती थी तो मैंने बोला वो कौन है, अभी आज फर्स्ट टाइम मेरे को आपसे बात हो रही है तो मैंने क्वेश्चन कर लिया बस। इसलिए फिकर 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 करने वाली, आपकी फिकर करने वाली तो मेरी फिकर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉलोअर पनौड़ी की तारीफ करो, फॉलोअर्स बटोरो। तुम कहीं यहाँ पे फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में तो मत आई हो। अब मुझे आप ऐसे करो, फिर हटा दो मुझे अभी, जस्ट अभी अभी भाई। सूपी हटा दे, सूपी हटा दे, लड़की की बात माननी चाहिए, हटा दे। अरे मैं तुझे तेरी माँ क्यों हटाऊं भाई, खुद निकल जाए भाई, इसको ज्यादा तकलीफ हो रही तो खुद निकल जाए भाई, मेरी तो चिपक जाएगी आईडी। मैंने बोला ना फॉलोवर्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, निकल जाओ कोई बात नहीं, खुद निकल जाओ। पनौरी सर आपसे बात करके अच्छा लगा, सूफी सर आपसे भी बहुत बात करके, और पुनीत सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ओके। देखो भाई पुनीत भाई ने अपनी फेक आईडी से भी फॉलो कर लिया, देखा बटन दबा दिया भाई ने इसको। ये तो सच्ची निकल गई पुनीत भाई। पहलवान अब अपनी टी शर्ट उतारेगा, क्योंकि लड़की बैठी थी ना, इसलिए पहलवान कब से अपनी टी शर्ट नहीं उतार रहा था। पनौड़ी
हाँ ये डांस हमने साथ में किया था पुनीत भाई। हाँ चलो कर लो भाई, मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। तुमने यार लड़की को भी भगा दिया, अब तुम बोल रहे हो वर्कआउट, तुम्हारे चक्कर में उसको भगा दिया यार। हमारा तो टाइम पास हो रहा था बढ़िया वाला यार, तू पुनीत भाई क्या करता भाई देख, मेरे को ना उसकी वॉइस इरिटेट कर रही थी, अब वो ज्यादा ही पनौड़ी पनौड़ी कर रही थी। अच्छा अच्छा, इतने भी इतना भी क्या मीठा यार, ठीक है पनौड़ी की तारीफ कर दी, बढ़िया है, सूफी की भी कर दी, सबकी कर दी, बस बतेरा भाई और कैसे अब पनौड़ी की गांड में घुसोगे क्या? ठीक है मान लिया, पनौड़ी रोज सुनता है ऐसी तारीफें, ये बात तो है। बस फिर और किसी को ले ले सूफी। हाँ ले रहा हूँ भाई। अभी लेता हूँ भाई, आ रहा भाई। किसको ऐड करना भाई बता दे भाई, किसी को ऐड करना तो बता दे भाई, किसी को भी कर लो। ये सोना सिंह को ऐड कर, ये सोना सिंह इसकी दोस्त है, ये सच्चाई खोलेगी, ये सोना सिंह उसकी। सोना ऐड हो जा थोड़ा, ओ सोना रोना। ये सोना रोना। भाई अरे सोना को तुम देखोगे पागल हो जाओगे। पुनीत भाई बॉडी बिल्डर औरत है ये, लोहा बोहा नहीं, तेरा बॉडी बिल्डर है तो कोई। अरे अरे बच्चे की माँ है, लेकिन अभी इसकी फिटनेस देखो तुम सोना। हाँ अपनी बॉडी दिखाओ पुनीत भैया को। नहीं दिखाओ पुनीत मेरे, पुनीत कितने दिनों से कहाँ था अब थे आप? अरे मैं नहीं आ रही लाइव जाती यूट्यूब पे। ये लड़के को बताए, ये लड़के को बताए, तुम जानते हो इस लड़के को? और बेटा कैसे हो? मैं देखती हूँ, ये हंस रहा है आपको देख के। अरे बॉडी बॉडी तो सुनो भाई, सोना अपने मसल्स दिखा। अरे मसल्स नहीं दिखा रही हूँ मैं। अरे मैंने तेरी तारीफ होके यहाँ पे पूल बांध दी, अब तू मना कर रही है। अरे अब भी उठी हूँ तो अब भी उठी तो उसमें मसल तो अभी उठे, उसमें क्या बात है? अभी मेरे मसल्स नहीं है, मैं जिम नहीं जाती हूँ, तुमने मना किया ना कि क्या फायदा जिम जाके। तुम मेरी दोस्त को सता रहे थे, मेरी दोस्त को क्यों सता रहे थे? देखो भाई देखो पुनीत भाई, ओ पुनीत, अरे पुनीत भाई देखो भाई मसल देखो इस बंदी की देख लो। भाई भाई। अरे सोना, अरे हमारी सोना लोहा वोहा उठाती है तुम्हारी तरह, कतई मर्दो टाइप बॉडी बना रखी है इसने, क्या बात कर रहे हो? अरे मैं शादीशुदा हूँ, मतलब शादीशुदा औरतें क्या बॉडी नहीं बनाती? तुम भी पाग भाई ऐसे अपने भाई देखो उसके इसके प्रोफाइल में जाके पिक्चर देखना, ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे 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 करके ये सारे कट ये सारे अभी पनौड़ी आप भी तो कॉन्टेस्ट खेलने वाले थे ना? नहीं वो कॉन्टेस्ट खेलने वाला था लेकिन न्यूयॉर्क में कैंसल हो गया वो। अरे यार आपने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अरे पुनीत ये तुम्हें टक्कर देने वाले थे थोड़े दिनों में। अरे पागल, अरे पागल, अरे वो कॉन्स्टेंट वो जो होने वाला था कॉन्स्टेंट जो बॉडी बिल्डरों का भाई क्या होता है तुम्हारा पुनीत भाई? कंपटीशन ये कुछ भी बोल भाई, वो कंपटीशन में मैं हिस्सा नहीं लेने वाला था, मैं तो चीयर्स लीडर बनने वाला था उसमें, जज बन। अच्छा चीयर लीडर। हाँ सूफी सूफी तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे सूफी, मुझे भी करवाने ऐसे बाल सूफी। सूफी ऐसे बाल कहाँ बढ़वाए तूने? नीचे भी बढ़वाए हैं भी भाई। आपको एक सवाल है इसमें, आप मतलब जब आप शावर लेने जाते हो तो शावर कैसे लेते हो आप? बस वैसे नॉर्मल जैसे बालों में शैम्पू डाल के इसको ऐसे मसाज होती है भाई, उसके बाद पानी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े भारी रहते हैं, गीले ड्रायर के साथ सुखाओ, खत्म, फिनिश।
डेली शावर लेता हूँ भाई, कैमरे में नहीं आओ, कैमरे में नहीं आओ भाई, मैं जिम कैमरे में था ना पनोड़ी भाई, ठीक है सूफी भाई फिल्टर लगा दो भाई, मैं वो डलवाऊंगा सूफी भाई, वो बड़ी बड़ी रस्सियां आती है ना, रस्सियां बड़ी बड़ी ऐसी रस्सियां आती है यहाँ तक, अब मैं वो रस्सियां डलवाऊंगा देखो। तो लेकिन ये आपकी लाइफ देखो कैसे दिख रहा है, झाक झाक के मना भी कर रही हूँ तो भी। भाई तेरे डैडी का नाम बता दो बेटे, अरे नहीं बताती ये सब मत बोलो, वो फिर बोलता है फालतू बात मत करो उससे। अरे डैडी का नाम पूछ रहा हूँ उसको, वो थोड़ी पनौड़ी बोलेगा। करूंगी आज, मैंने सोच के मैं बदला लूंगी, मेरा बदला बाकी। आज तुम बताओ तुम शादी क्यों नहीं कर रहे बेटा, ये बाल बुरे बड़े कर करके कहाँ जाना है। 29 लुविट से शादी करूंगा, उसको बोल दियो वो मेरी बहन है। तो तेरी बहन है तो क्या हुआ, वो उसका डिसीजन खुद लेगी। अरे सोना चुप कर पनोड़ी भाई, और बोल मैं हंस रहा हूँ तो मेरा दोस्त हो के सुनो मर्दों वाली औरत। सबसे हंस रहा हूँ मैं तेरी बातें सुन सुन के भाई। क्यों क्या हुआ यार, सोना सोना की बॉडी देख के अपनी सोना मर्दों जैसी बॉडी बना के बैठी है। तू तारीफ कर दे मेरी। सुन सोना, तेरे बेटे को पूछ तो उसके बाप का नाम बता भाई, मैं मान जाऊंगा उसने अपने बाप का नाम लिया तो। देख पनोडी, रिलेशनशिप और शादी वाली लाइफ को बीच में मत ला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे ये मैं कहा, मुझे इंटरेस्ट है तुझमें, जान में मुझे तुझमें इंटरेस्ट नहीं है, तेरे बेटे को मेरे में इंटरेस्ट है। बेटा बेटा पापा का नाम बताओ, अंकल बोलो, मामा बोल दो, मामा मामा आप बोल रहे मेरी मम्मी के भाई हो, गुजरात से मेरी मम्मी का मायका। अरे ये पागल है यार, मामा मामा। अरे बेटा सोना तू पागल है। नहीं मैं पागलों को, पागलों की फैन हूँ, जो पागल लोग रहते हैं उनकी फैन हूँ मैं। आज मैं पनोड़ी अंकल को रोस्ट कर दूंगा मामा को। अच्छा मान भी नहीं रहा, वो मेरे ऊपर चढ़ गया। हट जा बेटा, पापा का नाम तो बता दे, क्या बुरी बात है इसमें यार। वे सोना सुन, ओ सोना हाँ हाँ मेरी बात सुन। देख तेरा बेटा निन्ने किसका नाम लेता है भाई, देख मैं मुझे कसम बसम मत खिलवाने दे, ठीक है। देखो ये फेमस होने वाले काम मत करो, जिम्मेदारी वाले काम करो, शादी करो, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है टेंशन मत लो। अरे लविश बोलो इनको शादी करने का। मैं बोलूंगा बिल्कुल मत करना। तूने तो अपने दो बार प्रोडक्शन निकाल लिए, उनको मना कर रहा है। निकाल तो लिए पर बाद में पछतावा हुआ। अरे इतने सुंदर बच्चे हैं क्यों पछताना, बच्चों का नहीं बीवी का पछतावा हुआ। पता नहीं था ना कि बंदा इतना फेमस हो जाएगा और इतनी लड़कियां मिलेगी। हाँ। तो देख लो शादी करो, दूसरों को परेशान मत करो। ये जो लड़कियां है ना, वरना धोखा दे के ही जाएगी तुम्हें, शादी नहीं करोगे तो। लड़कियां खुद परेशान होना चाहती है तो क्या करें, सही बात है। हाँ अगर तूने सोना मेरा 29 लुविट से मेरा टाका नहीं भिड़वाया तो मैंने अपने आप को मार लेना है आज। मार लो। अच्छा तो तू नहीं भिड़वाएगी, क्यों भिड़वाऊ, तुम अपने आप ही भिड़ते रहते हो सबसे। दीपिका शर्मा शायद लविश की फैन लग रही है, उसको ऐड कर। सुनो मर्दों जैसे मुंह वाली औरत भाग यहाँ से, और लड़कियों जैसे बाल वाले आदमी तुम भी जाओ। ओ माय गॉड, तेरा बेटा भी हंस रहा है ये चौक पे, क्योंकि उसको पता है मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। सुन मैं तेरे बेटे को एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, इसने मुझे मामा बोला है ना, ठीक है। सुनो बेटा, बेटा सच बता, मैं एक बात पूछूं बेटा। बेटा गया, बेटा गया। नहीं, बेटा बहुत अच्छा है। सुनो बेटा,
तुम्हें बेटा माँ और बाप का प्यार कहाँ से मिलता है? मम्मी देती है ना माँ और बाप का प्यार। तेरे पापा है या नहीं है? मैं उसको पूर बेटा तुम्हें मम्मी और पापा का प्यार मम्मी से ही मिलता है ना। पापा का पापा देते, मम्मी का मम्मी देती है। ये तुमने, तुमको मम्मी ने सिखाया? कैमरा ऑफ है मम्मी का। नहीं, वो उधर बैठा है, देखो मैं इधर देख लो, मैं इधर बैठा हूँ, मम्मी उधर बैठी है। भाई बेटा, मम्मी तुम्हारी हर रोज जिम में जाती है, इतना लोहा वोहा उठाती है, तो बेटा तुम्हें लगा नहीं कि मम्मी भी एक मर्द बन चुकी है? अब इतनी जल्दी कौन मर्द बन गया? अगर मैं मर्द बन गई ना जिम जाके, तो हर औरत को मर्द बनना चाहिए, ऐसी बॉडी बनाना चाहिए। बॉडी नहीं, वो चर्बी है। तुम अभी तक के मुझे दूसरी आई तेरे बेटे ने तेरी फोन खोल दी, देख जियो बेटा, जियो जबरदस्त जियो बेटा, मजा आ गया आज। सुनो बेटा, क्या भाई? देखो यार, तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? तुमको सच बोलना। अभी तुम श्री कृष्ण का वो लगा रहे थे यार फिल्टर, और फिर श्री कृष्ण बन के तुम झूठ बोल रहे हो यार। भाई भगवान तुम्हें सजा देगा, पता है? वो झूठ क्यों बोलेगा? वो झूठ नहीं बोलता, सच बोल रहा हूँ मैं। ओके, तुम सच बोल रहे हो ना, तो बेटा ये बताओ, जितने भी एक दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें पूछे, उसका आंसर तुम्हें मम्मी ने बताया ना कान में? भाई श्री कृष्ण भगवान की कसम है बेटा, तुम्हें फेल हो जाओगे, तुम याद रखियो। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, लेकिन तुमने मम्मी ने तुम्हें कान में बताया ना कि मैं जो बोलती हूँ वो बोल दो बेटा। हाँ। श्री कृष्ण भगवान की कसम है, तुम्हें फेल हो जाओगे तुम। पहले आप बाप का नाम बताओ, फिर मैं मेरे पापा का बताऊंगा। क्या? पहले आप बाप का नाम बताओ, फिर मैं मेरे पापा का नाम बताऊंगा। बेटा नींद में तो तुम पहले मेरा नाम लिया करते थे, पनौड़ी की लाइव दिखाओ, पनौड़ी की लाइव दिखाओ। अब बेटा तुम मुझे भूल गए? अरे तुम पप्पा थोड़ी हो, तुम तो, हम तो तुम्हारे फैन है, आप तो हीरो हो इंस्टाग्राम पे यार, हीरो। मैं कहां बोल रहा हूँ बेटा को कि मैं तुम्हारा पप्पा हूँ, मैंने तो ये पूछा कि बेटा मम्मी और पप्पा का प्यार तुम्हें मम्मी से मिलता है ना। देखो बेटा ने आ बोल दिया आज तो। अरे पनौड़ी भाई, आपकी बहू से मिलाते हैं। सोना सोना एक बार नीचे जाओ ना। श्री राम ठाकुर है। अब क्या बेटा? बेटा पता लग गया, मामा जी को पता लग गया। हाँ सोना नीचे बैठ, अभी करता हूँ तेरे बाद में। पनौड़ी सूफी भाई आप मत करना, उसे खुद क्लिक करने देना, नहीं तो वो हो जाएगा। रितु को एड करना, रितु को। रितु का आईडी पूरी बताओ। RITUUUU एक सुंदर सी लड़की की प्रोफाइल से ऐड कर। ये पनौड़ी की ना अपने बहू है, जेठ जी है पनौड़ी। अच्छा सा लगा लेना रितु फिल्टर। अरे नहीं जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसी हो? बस बढ़िया जी, आप सुनाए। बस मैं तो ठीक हूँ। तो भाई ये अपना जो लवेश भाई है, तुम्हें पसंद है? हाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब के सब कुछ तुम्हारे बीच में तय, पक्का तय है ना? भाई देखो, यहाँ तुम 500 लोगों के सामने बोल रही हो, सोच समझ के बोलियो। हाँ बिल्कुल। मतलब क्या उम्मीद है तुम्हें लवे से? लव बोलो तुम, उनको तो कुछ पूछो या मुझे ही पूछोगे हर बार? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको जानता हूँ, मैं तो तुमको ये दूसरी बार मिल रहा हूँ ना, तो तुमको ही पूछना पड़ेगा। अच्छा जी, पूछिए।
तो लवेश से तुम्हें क्या क्या उम्मीद है, मतलब क्यों तुमने लवेश को हाँ बोला, ऐसी कौन सी क्वालिटी तुमने लवेश के अंदर देखी जो तुमने हाँ बोला? क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा है, उनका दिल साफ है और वो खुद एक अच्छा इंसान है, ये देखा है। अच्छा अर्पणोड़ी एक सेटिंग देखो इधर, वो भी सुबह उठी है और मेरा सोने का टाइम है रेड रेड। या ओके राइट, ये बात भी है भाई, मेरे को भी बात तो सही है। तू भी कैमरा बंद कर भाई, मेरे को भी ऐड कर लो यार। तो सही है भाई, ठीक, मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा यार, तुम मॉडर्न लोगो भाई, मतलब देखो ये ऋतु बुरा मत मानना, ऋतु बुरा मत मानना, नहीं नहीं बट अरे नहीं भैया बोलिए, प्यारी है यहाँ पे मेरे, मतलब के कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं जी कि ये टावर तुम्हारा क्या चल रहा है, मतलब के फाइटिंग चल रही है तुम दोनों के बीच में लवेश को लेकर? अरे क्या बताऊं, छोड़िए छोड़िए भैया, उसका नाम मत दीजिए, सुबह सुबह मेरा अच्छा मूड है मेरा मूड खराब हो जाएगा, छोड़िए उसका नाम मत दीजिए प्लीज। अरे यार देखो मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि इसको पूछो कि इसके लोगों को क्या है, लोग तो होते हैं बस, यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ, बस आग लगाते हैं ताकि इन दोनों में झगड़ा हो जाए, तो मैं वो सब नहीं चाहती, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि मुझे झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है। तो तुम लोग तो दोनों की होते ही पर्सनली ऐसे। में बात, मतलब तुम दोनों की पर्सनली में बात हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। मेरी लड़की तो बहुत मुस्कुरा रही है लवेश भाई। पनोड़ी भाई डेली एक घंटा बात होती है। ओहो कई बार ज्यादा भी हो जाती है, एक घंटा से ऊपर भी निकल जाती है कई बार। क्या बात है भाई, भाई देखो वैलेंटाइन का वीक चल रहा है और ऐसी प्यारी प्यारी बातें, भाई दोनों कपल रेड रेड में आए हैं भाई, मजा आ गया सूफी भाई। सही बात है यार, सही बात है। अरे यार दीदी तुम हो कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली द्वारका। बट आपका एक्सेंट तो थोड़ा डिफरेंट पनवड़ी भैया जैसा है यार। मेरा एक्सेंट डिफरेंट, वो कैसे? मतलब जहाँ से पनवड़ी भैया जैसे मेरे में गुजराती टोन आता है ना, मेरे में गुजराती टोन है, कैम छो खाना खाया के मतलब, तो वो नहीं हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ, आई एम अ ब्राह्मण गर्ल। अरे ब्राह्मण कौन सी स्टेट से हो आंटी? मैं चेन्नई से हूँ, भैया के घर पे रहती हूँ। चेन्नई से? महाराष्ट्र से हो ना आप? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सूफी भाई इनका जो नेक्स्ट हाउस है वो शिकागो में है, अब नेक्स्ट हाउस जो है इनका। ओके ओके देखिए, अच्छा अच्छा शादी के बाद। ओहो भाई मैं तो भाई बहुत धन्य हो गया भाई ये बात सुन के। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऋतु। हाँ ऋतु जी आप चिंता मत करो, आपका एक घर पंजाब में भी है, एक शिकागो में भी है और एक न्यूयॉर्क में भी है, न्यूयॉर्क बहुत बड़ी फैमिली है। बिल्कुल ये दोनों है ना, थैंक यू सो मच, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं और एक पंजाब में भी है। पूरे इंडिया में आपका घर है ऋतु जी, भाई हम लोग इतने फेमस है कि हमारे फैंस लोगों के घर पूरे इंडिया में है, तुम कहीं पे भी चली जाओ भाई, एक फोन करो किसी को भी, किसी भी हेल्प की जरूरत हो भाई, मोदी तक कनेक्शन निकाल देंगे भाभी आपके लिए, क्या बात कर रही हो जी भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इतना बोल दिया काफी है मेरे लिए। अरे काफी नहीं भाई, हम तो अबे भाभी तुम्हें पता ही नहीं है हम चीज क्या है, अभी तो तुम कांटेक्ट में ही कहाँ आई हो भाभी अच्छे से। जी जी ये तो बहुत खुशनसीब की वजह से तुम इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच चुकी। जी बिल्कुल राइट, वरना यहाँ नीचे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग बैठे सालों से बात करने के लिए तड़प रहे है। अच्छा तू ये बात सही बोल रहा है पनोड़ी, तरसते हैं पनोड़ी से बात करने के लिए ना, क्या बात है। पर चलो हमारा रिलेशन ही इतना तगड़ा है कि पनोड़ी भाई को तो करनी पड़ेगी ना, उसकी बहू रानी हो तो कहाँ छोटे रहते हैं आप कहाँ रहते हैं? अरे मैं भी भाभी जी न्यूयॉर्क से ही हूँ, ये अपने लवेश भाई से 1.5-2 घंटा ही दूर हूँ मैं। अच्छा अच्छा ओके, उनके उधर भी रात हो रही इसलिए तो हम दोनों दारू पी रहे हैं।
ओह अच्छा, अभी रात हुई, मैं वही सोच रही हूँ ये सुबह सुबह दिन क्यों कर रहे हैं। अच्छा, रात हुई अभी। अरे मेरे यही है ना, यूएस में ही है, अच्छा यहाँ भी तो रात है। हाँ दोनों हाँ जगह हाँ रात ही है, मेरे यहाँ हाँ रात के 11 है, उसके यहाँ 12 है। हाँ अच्छा, बस एक साल पहले तुम्हारी जगह पे और कोई कोई लाइव पे आता था, पनोड़ी भाई अभी एक साल मैं छोड़ा ना उसे, के पनोड़ी भाई से छोड़ा। लव की तो बहुत सारे गर्लफ्रेंड थे पहले, लेकिन अब कोई नहीं है, अभी तो अब कोई कोई भी नहीं है, नहीं है। अब कोई नहीं है। होस्ट हमारा मेरा पारस हुआ भी करता था, नहीं होस्ट हमारा पारस हुआ करता था एक साल पहले। अब पारस भी पता नहीं कहाँ खो गया, पारस आया। हम रे बच्चे बट खिला हो रहे हैं, गया, बच्चे रिजेक्ट बच्चे। हो गया हमारा। हाँ बहुत मजा आता था, इसी टाइम पे हमारी लाइव चलती थी एक टाइम पे। हाँ जी बहुत मजा आता। यार सूफी भाई चलाया करो ना कभी कभार, दिन में चलाते ही नहीं हो आप, एक दिन चलाते हो फिर चलाते ही नहीं हो। अरे यार मैं थोड़ा बिजी हूँ भाई, इधर काम झाम में ना थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं लाइव पनोड़ी भाई का पूछो मैं आ ही नहीं रहा लाइव पे। कल रात को भी ऐड कर रहे थे, मैं नहीं आया भाई, थोड़ा बिजी हूँ भाई, थोड़ा काम वाम चल रहा है इधर इसलिए। अब थोड़ा और बिजी होना पड़ेगा, तुम दोनों बड़े भाई हो तो, क्योंकि हमारा घर बसने वाला है जल्दी तो। दोनों जगह आपसे पार्टी होगी, एक पंजाब में होगी, एक न्यूयॉर्क में होगी। लवेश भाई, आपका भाई बैठा है, चिंता ना करो, भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। भाभी आप आओ पंजाब में, आपको जी भाई यहाँ जी पे दूध लस्सी खाना, मक्की की रोटी, सरसों का साग, बल्ले बल्ले भांगड़ा, आपको सब पूरा कराएंगे यहाँ पे। इतनी वेल्थी पर भाभी फैमिली, इतनी वेल्थी फैमिली तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आधी फैमिली इंडिया पंजाब में, आधी फैमिली न्यूयॉर्क अमेरिका में। हाँ, और भाभी तुम जरूर दिल्ली जरूर के किसी भी क्लब में जाओ ना, सिर्फ मुझे बता देना, आपका सब कुछ मैं फ्री करवा दूंगा, आपका ड्रिंक होका बोका सब कुछ। ठीक है किसी भी थैंक यू क्लब में थैंक जाओ, यू। सिर्फ मुझे बता देना कि आप इस क्लब में जा रही हो, भाई मैं आपका फ्री करवा दूंगा। सच बोल ठीक रहा है हूँ ये भैया, बात, ठीक है? तो जी भैया यहाँ जी पे तुम बहुत ही अच्छी फैमिली के साथ जुड़ी हुई हो, जी तो मतलब अब तुम सीधा मतलब शिकागो आओगी भाभी, या लवेश इंडिया आने वाला है, मतलब क्या सोचा है, क्या है तुम लोगों ने? पहले तो लव्स इंडिया को आने दो, फिर हम दोनों जाएंगे, ममता साथ में ही जाएंगे। पनोड़ी भाई पहले मुझे एक बार सर्टिफाइड तो हो जाने दो। ये बात भी है भाई, वो कहावत आप ही से सीखी है मैंने, दोनों भाइयों से, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सही बात नहीं भाई, देखो भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, हमारा एक्सपीरियंस काफी है, हम बुक का टाइटल देख के बता देते हैं कि बुक कहानी इसमें अच्छी होगी कि नहीं होगी। भाई हमारी तरफ से भाई ग्रीन सिग्नल है भाई, तू भाई आगे बढ़ भाई, चिंता ना कर, हम तुम्हारे थैंक साथ यू हैं। थैंक यू। पनौड़ी भाई आपका भी सेम ही कहना है। ग्रीन ग्रीन भाई, मेरा मेरा भाई जहां पे खुश वहां मैं खुश भाई। देखा रितु मेरे भाई कितने अच्छे हाँ हैं, बहुत देखा, अच्छे साथ हैं, बहुत देते हैं, अच्छे हैं, हम बहुत दोनों अच्छे हैं। का ख्याल रखते हैं। देखो आपका बहुत और ख्याल क्या रखेंगे दीदी, चाहिए, आप यही तो चिंता ना प्यार है करो, और क्या, यही आपको प्यार सुबह है। शाम फोन करेंगे, आपका हाँ हाल चाल पूछेंगे, कहीं आपको कोई तकलीफ तो मत है, आपको वीडियो कॉल करेंगे, देखेंगे अच्छे से, परखेंगे भाई, कोई तकलीफ तो मत है आपको, आपका नहीं पूरा कोई ख्याल रखेंगे, तकलीफ चिंता नहीं, मत करो। जब लव साथ है तो क्या तकलीफ होगा बताइए। भाई अरे इतने लव तो सालों से भैया किसने, पनवाड़ी भाई, इतने सालों से लव भैया किसने तो सोचा लवेश ही नहीं का नाम था। ही नहीं सोचा था लव, देखो ये बंदी ने नाम भी नायब सोच लिया, लव। ओहो हाँ ये मुझे भाई, लव सी बोलती है, लव। मैं ओहो स्टार्टिंग से ही बुलाती हूँ लव। जबरदस्त भाई, मजा आ गया कतई जबरदस्त। और भाई ये बंदी की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि ये बंदी फालतू की बातें नहीं करती है लाइव पे जाके, तो सही ये बात मुझे अच्छी लगी, जी राइट? ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये फालतू की बातें नहीं करती। और देखो मैं तो भाभी जी का आपको एक एक एडवाइस दे रहा हूँ, जी वो मोहित मदान की लाइव पे भाभी मत जाओ, उसकी मैं लाइव अब पे नहीं देखा जा है ना कैसे के, रही। हाँ हाँ मैं, कैसे हाँ कैसे लोग हाँ आते मैं हैं। और नहीं जा रही हूँ, और नहीं जा रही हूँ, मैं बंद कर दिया, बंद हाँ कर क्योंकि दिया। उसका आईडी रेस्ट इन पीस होने वाला है, मुझे ईमेल आ गया, अच्छा अच्छा 48 आवर्स में। मोहित मदान माफ कर देना मेरे भाई, राक्षसी शकल वाले साले भैंसे, बट 48 आवर्स में तेरा आईडी उड़ जाएगा, मुझे मेल आ गया। नहीं
अरे मत नहीं भाई। पनोड़ी भाई मोहित भाई अच्छा है यार, क्या बात कर रहे हो। अरे मोहित बढ़िया बंदा है। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हुआ भाई, हुआ कुछ नहीं है, बट बस उसकी शकल मुझे पसंद नहीं है। हाँ। क्या हो गया भैया, क्या हो गया आपको ऐसे बोल रहे? भाभी देखो यहाँ पे आप अच्छी हो, आप बहुत ही अच्छी हो, लवेश भाई की होने वाली बीबी। पारस आया है क्या आज बहुत दिन बाद? हाँ भाई पारस को बहुत दिन हो गए देखे हुए, अब क्या करे। भाभी जी आप 5 मिनट के लिए नीचे जाओ जी। पारस हाँ भाभी जी नीचे जाओगे आप थोड़ी देर? हाँ। पारस को ऐड करो, पारस के साथ बहुत दिन हो गए बात की हुए। ये तो वो बात हो जाएगी, चार पुराने मिल जाएंगे यार है। हाँ। पनोड़ी सुन, अगर हम जोश जोश में उसे कह देंगे ना बोतल उठा ले और गटक जा, वो गटक जाएगा। पारस को ऐड तो करो, पारस बहुत दिन बाद आया भैया। करना सुभी भाई, कर दिया कर दिया। कैसे हो? बोतल का भाई तू तो नंगा लेटा है पनोड़ी नंगा। और भाई बहुत दिन बाद देखा तू तो। बस पैक पुक लगा रखे हैं अब तो, सोने का टाइम है। मैच देख रहा था क्रिकेट मैच, लोगों ने मैच मैसेज किया कि वो शादी करवा रहे हैं पनोड़ी भाई किसी की, मैं किसकी देख लेते हैं भाई। और भाई हम तो 2 साल से एक ही बंदे की शादी करवा रहे हैं, लवेश की और किसी और किसकी करवाएंगे? एक बात तो मान पनोड़ी, ये सूफी हाँ। लेट आया, सूफी को भाई को ज्यादा पता नहीं है ना हम क्या करते थे। सूफी भाई जब मेरे पास एक बच्चा था ना तब इसकी शादी होने वाली थी, मेरे पास 3 हो गए हैं और इसके लिए भी मिली नहीं है भाई। क्योंकि सूफी भाई मैंने बोली रहा है कहावत, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ। वो इस्तेमाल विश्वास नहीं बन रहा भाई, यहाँ तो जब जब ठंड होती है तब तक बच्चे कर लेते हैं हम। कतई रोमांटिक हो भाई आप। और पारस भाई सब कुछ ठीक ठाक? बस यार मैं एक्चुअली लाइव तेरी देखनी ऊपर संडे को, यार मेरा टाइम ही लगा नहीं, तो मैं आता लाइव संडे को, मेरा पूरा दिन था मैं लाइव जो देखूंगा। सर वो मेरे को बर्थडे बुड्डे पार्टी थी तेरी भाभी की, तो वहां चला गया मैं, फिर सारा दिन निकल गया वहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी है तो जबरदस्त भाई तेरा। भाई मैंने तो भाई मैंने तो बाल बाल बढ़ा लिए यार, मैंने बोला भैंचो। सूफी भाई ये विग लगा क्या सीन है सूफी भाई? ड्रेडलॉक्स है। अच्छा ड्रेडलॉक्स, वाओ साला वो तो परमानेंट का बहुत टाइम लगता है उस पे तो लगाने में। यहाँ पे भाई अपने इंडिया में लड़के लड़कियां भाई बहुत तेज हैं, 24 घंटे मेरे 20 आवर्स में लगा दिया उन्होंने सारे। अच्छा जी भाई, मेरे कुत्तों की डायरी बहुत अच्छी चल रही है भाई, नीचे जो बंदे ने पूछा भाई भाई ये नाम बहुत, नाम क्या रख लिया भाई कुत्ते वाला, जबरदस्त। हम भी कुत्ते वाले ही हैं भाई, हमारे कुत्तों का काम ये है। सही बात। नहीं नहीं भाई 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 तेरी तो कुत्तों की डायरी है ना उधर? मेरा भाई कुछ डेरा भाई, पूरा डेरा सूफी और तेरी पर्सनालिटी मैच करती है और मेरी और पनोड़ी की। भाई एक बात तो मानी गई, दारू तो भाई सबसे ज्यादा भाई इसमें पनोड़ी आया, आज भी पनोड़ी के पैक चल रहे हैं भाई। ऐसा करो पनोड़ी का नहीं, मेरे भी चल रहे हैं, ऐसा रुक जा फिर, रुक जा फिर, ऐसा करो मार्च दा पनोड़ी, मैंने बोला था तुझे वो देख मार्च दा की सारी बहन चो पी के बैठा था मैं, लाने दो बोतल भाई ले जा भाई, लाओ लाओ भाई लाओ लाओ। जय बाबा की, लाना क्या है पास भाई, ये बची है इसको लगा देते हैं अभी। हाँ लगाओ लगाओ पारस भाई, मैं भिजवा दूं ये वाली, भिजवा दूं सारी भाई। मैं इस टाइम पहले आउट हूँ, मैं एक्चुअली वो वाइन पी रहा हूँ आजकल, तो विस्की का दिल तो नहीं था, मगर भाई मिले हैं तो भाई जरूर पियेंगे सारी रखी हुई है। पनोड़ी ने मिठाई नहीं भिजवाई पर मैं लिख कर भिजवा दूंगा, ये देख सारी रखी हुई है मैंने। अरे यार भाई ऐसा, अरे यार ऐसा मत बोलो भाई, मैं कल ही भिजवाता हूँ भाई। हाँ चल चल भिजवाओ भाई। एक बात तो जब तक तुम्हारी लाइफ चलती ना दारू नहीं छूट रही थी, आज आया रात चल गई दोबारा। ये तो है भाई, ये तो है भाई। नोड़ी मैंने इसके आने से, लाइव में आने से पहले क्या बोला था? उठाएंगे भाई, एक मिनट कमेंट ड्रॉप करो, नीचे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं स्टोरी पे लगाऊंगा, इट्स लॉन्ग टाइम बड़ी। कमेंट ड्रॉप कर दो ना सूटी भाई।
भाई चेयर्स लवेस पारस एंड पनोनी भाई आफ्टर ऑलमोस्ट वन ईयर ब्रो, एक मिनट ऐसे ही रखना भाई, नीचे प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना और स्टोरी बना के भेज देना, मैं लगा दूंगा ठीक है भाई। चेयर्स पारस भाई के लिए अपना सीधा बोतल से। हाँ अच्छा अच्छा भाई, अपना ना जिंदगी में एक याद रखना, रिश्ते में और दारू में कभी मिलावट ना करो। अरे हम तीनों का रिश्ता तो भाई पिछले 1.5 साल दिनों में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ भाई, हमारा कभी नहीं हुआ। हाँ और पनौटी तो, होगा भी नहीं आगे भी, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। पे देखो कपूर साहब बहुत दिन बाद आए, मेरी बात नहीं कपूर साहब से मेरी लाइफ पे होती रहती है बाद में बात हो रही उनसे। भाई मैंने तो बहुत दिन बाद देखा कपूर साहब को, शायद कपूर साहब मुझसे रूठे हुए यार, पता नहीं मेरी लाइफ पे तो कपूर साहब को देखा नहीं इतने दिनों से। अरे पनौड़ी कपूर साहब तेरे से नहीं सबसे रूठे हुए हैं, कभी नहीं बोला कि लविश न्यूयॉर्क आ न्यू जर्सी आ, कभी नहीं बोला, बात करते हैं हेलो हाय करके निकल जाते हैं। नहीं नहीं ये भी बहुत अच्छा भाई, पियानो बजाते हैं बहुत जबरदस्त है भाई, इनका पियानो देखा था मजेदार, वो जब दारू चल रही होती है ना हाँ। ये साथ में पियानो चला रहे होते हैं तब आता है मजा, सुरूर सा बना रहता है भाई। राइट बाकी वे सूफी वे ड्रेड लॉस जच रहे हैं भाई, एक दुकान माननी पड़ेगी भाई, सही मैं सही बता रहा हूँ, इतना किसी पे नहीं जचते भाई, इस पे जच रहे हैं मतलब के इसमें पायरेट्स ऑफ लग रहा है ये लोग, मूवी याद आती है इसको देख के भाई। हाँ ये सूफी भाई का इंटरनेट जा रहा है मुझे लग रहा है, सूफी का इंटरनेट जा रहा है भाई, इसके पास दारू नहीं है ना भाई, उसके पास दारू नहीं है, जिसके पास दारू होती है ना उसका इंटरनेट फुल रहता है भाई। मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ भाई, यहाँ दारू देखो, दारू के साथ नेटवर्क फुल। सही बात है भाई, आज ये बोतल खत्म करके सोएंगे। तो पारस में आप लाइव पे नहीं आते हो? टाइम लगता है यार, आज तो मैं बिजी हूँ, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा, एक बिजनेस खरीदने वाला हूँ पूरा पूरा। तो इसको कहते हैं ना जैसे एब्सेंटी ओनर जो होते हैं, वहां जाने की जरूरत, वो लेने की कोशिश करूंगा, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और पनौड़ी मैं भी रितु को इसलिए बुला रहा हूँ कि मेरे होने वाला यहाँ का जो बिजनेस है वो रितु संभाल भाई। रितु एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़कियां सबसे सुंदर ही होती हैं। हां रितु तेरी भाभी बन गई पारस, पनौड़ी ने परमिशन दे दी, सूफी ने भी परमिशन दे दी भाई, हम तो जिसको जो तेरे साथ बैठ जाएगा उसको भाभी बोल देंगे भाई, जिसको मर्जी। भाई मैं तो बोलता हूँ कि भैंचोद आगे बढ़ो तुम भाई, सारी चीजें ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है। और भाई बहुत ही लवेस्ट लकी है कि वैलेंटाइन टाइम से पहले उसको अपनी हम सफर मिल गई ठीक है भाई। रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू लवेश भाई। अरे कनेक्शन ही नहीं है यार, 6 साल में हो गया भाई, कोई कनेक्शन नहीं है। ये बिच्छू भाई क्या हो गया भाई, उसके साथ कंट्रोवर्सी होगी क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मतलब पता नहीं यार, वो बंदी ने मेरी YouTube पे लाइव आई देखी होगी, उसके बाद उसने ब्लॉक किया सारी चीजें की, अनब्लॉक ही नहीं हुआ बंदा। अच्छा भाभी पनौड़ी की तरफ भी भाई, इस वैलेंटाइन दिन से पहले भाई एक भाभी ढूंढो। अरे भाई संडे को सुपर बॉल है, सुपर बॉल के मजे लेंगे, वहां पे कुछ कुछ ना कुछ जुगाड़, हाँ कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, संडे को सुपर बॉल ना। मेरी तो सुपर बॉल में ड्यूटी लगी थी एक ब्रांड के लिए, अच्छा। बियर के लिए, पर ये है कि बच्चों की वजह से मैं जा नहीं सकता, उन्हें छोड़ के। अच्छा। और जो बच्चों की माँ है वो गोरी है, तो वो गोरी बोलती है मैं इंडियन बच्चों की माँ नहीं बन पाऊंगी, तो इसलिए उनको छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा भाई, जितनी बार इससे बात होती है लविश के पास भाई, एक अलग गोरी नजर खड़ी होती है इसके पास भाई, ये भी उसको भाभी बता रहा। अरे चुप कर, रितु है नीचे। अच्छा रितु भाभी है क्या नीचे? अच्छा अच्छा, कोई नीचे ही रहने, तो तेरे नीचे जितनी रहेगी उतनी ठीक रहेगी भाई।
अरे पुरानी बात बता रहे, नई बात थोड़ी, अब तो भाई लोकेश भाई बहुत पुरानी भाई। रितु ये तुम्हारा सबसे बड़ा जेठ बोलते क्या बोलते हैं, जेठ राइट भाई, ये तुम्हारा सबसे बड़ा जेठ है। इनका नाम पारस है शायद, आप तो मिली नहीं होगी, देख लो इस बंदे को, मतलब हमारे बड़े भाई साहब है ये। तो भाई सारी चीजें तुम्हारे रितु मतलब सेट है, बस सेट, अब भाई हमें सब सेट है ना, हमें चाहिए वो जो भाई हमारे साथ आके बैठे अच्छी बातें करे। भाई पनोड़ी एक बात माननी पड़ेगी, वो लाइव बड़ी मजेदार होती थी, जबरदस्त। अरे मैं और पनोड़ी यही बात कर रहे थे, सूफी भाई को भी वही तो बात कर रहे थे, तीनों बैठते थे, दारू की बोतलें खुल रही है, लाइव पिक चल रही है भाई, दारू की बोतलें खुलती थी, डांस चलता था, डांस मजे करते थे। सूफी भाई ये कंट्रोल से तो ये पहले ना, पहले सच में कंट्रोल से होती थी, लड़ाई नहीं होती थी, मजा आता था, सिर्फ भाई हम फन करते थे, फिर भी 500 लोग देखते थे। आई लव यू सबसे अच्छा डायलॉग भाई, अभी देख पनोड़ी कोई याद आएगा कुछ भाई, ओ भाई स्नेजी का भाई, वो आती थी लाइव पे ऐसे बोलती थी, ओ भाई मजा आ जाता। सिर्फ दो लड़कियां चेंज होती थी, एक स्नेजी और एक रिया, अप डाउन अप डाउन भाई। एक इसके भाई स्नेजी का भी मेकअप बहुत तुड़वाया है इसने भाई, फोन फान भी ले लिया, इसका भी भाई और ले गई कच्चा कुच्चा चुरा के भाई। पर सूफी भाई दोनों के साथ सेम ही हुआ, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। अच्छा हाँ, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि पनोड़ी की चाल है ये, बताऊं इसमें कैसे नहीं, नहीं। पारस इसमें नहीं 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 इसमें एक लॉजिक है, सूफी अच्छा। सूफी अग्री करेगा, वो कैसे है कि पनोड़ी के साथ ऐसा हुआ ठीक है, तो इसने सोचा कि लविश को मैं कैसे पीछे रहने दूं, तो भाई ये तो बात माननी पड़ेगी, इसने किसी तरह चाल चली, इसने रिया को अपने चंगुल में लिया, उसको मुझे लगता है इसने $1,500 भेजे भाई, जिस दिन लाइव चली थी ना वो रिया वाली, उस दिन इसी की लाइव पे आके बैठी थी वो। नहीं भाई मैं मान सकता हूँ पता क्यों भाई, किसी की गांड फट रही होगी भाई, पनोड़ी भाई मजा लेगा भाई पूरा, बहन जो $1,000 की जगह $2,000 भी डाल देगा भाई, ऐसी बात है भाई, कोई आ जाए को चाहिए पूरा एंटरटेनमेंट भाई, मैं मान सकता हूँ। पनोड़ी 4 महीने पहले बात थी, एक दिन लाइव लास्ट लाइव थी जब मेरी, वो मैं गया था सैंड लुइस पार्टी करने, दारू पी रखी मैंने पूर्ण, पनोड़ी उसकी बैठा, तो क्या नाम था उस लड़की का बॉम्बे वाली का, वो जो आती थी यार अच्छा लाइव चलाती है वो भी कभी कभी, चल क्या नाम था, कौन सी खान है वो बॉम्बे की, मलाइका खान, हाँ उसकी लाइव बैठा, कह रहा पारस तेरे को गाली दे रहा है। यार तो मैं लाइट चलाते, मैं भाई लास्ट पैक रह गया भाई, तुम्हारे सामने बोतल खाली भाई, सब भाई मेरा एक मिनट, अरे बना लेने दो मुझे भाई, अब लगाओ भाई, चीयर्स, खाली है मेरा भाई, मुझे भाई मैंने सोचा बड़ा भाई बेंचो जा कैसे नहीं इंग्लिश जान दे भाई, हिंदी हिंदी थोड़ी इंग्लिश में बोल, इंग्लिश जान दे। मैंने भाई मैंने ये सोचा कि बेंचो हमारा बिग ब्रदर हाउ वी लीव द इंस्टाग्राम ब्रो, तो मैंने भैंचो कंट्रोवर्सी मैंने बना दी, मैंने बोला भैंचो वो पारस तुम्हें गाली दे रहा है, शर्म आनी चाहिए राइट, ये वो, और मैंने पारस को फोन किया, मैंने बोला क्या पारस भाई यार तुम भी भैंचो वो गाली दे। पारस समझ गया कि ये मादरचोद पनौड़ी कुछ ना, पारस ने बोला देने दे उसको जो करना है करने दे। भाई बढ़िया, वो यार वो भी सही है ना, है कि वो भी चली गई लाइव लुवी से, अरे उसने तो पूरा इंस्टाग्राम हिला हुआ है भाई, हाईकोर्ट तक उसके केस लग गए भाई, क्या क्या चीजें हो गई यार अभी तो भाई इंस्टाग्राम, अरे पारस भाई अभी तो इंस्टाग्राम की कॉन्ट्रोवर्सी है ना नेक्स्ट लेवल पे चल रही है, हाईकोर्ट में केस हो रहे चल रहे हैं भाई हाईकोर्ट तक भाई, तो भाई सूफी की लाइव ना नेटफ्लिक्स पे आएगी भाई बहुत जल्दी। और उसके एपिसोड आएंगे, एपिसोड 1 एपिसोड 2 उसमें सब भाई बहुत भाई। देखो इसी टाइम पे मुझे एक बात याद आ गई, यूजुअली तो मैं रात को लाइव पे आता नहीं हूँ पारस भाई, सच बता रहा हूँ मैं, अच्छा आज सूफी इस टाइम पे लाइव पे आया,
मैं लाइव पे आ गया, वरना मैं रात को लाइव पे नहीं आता। तो रात को कौन आता है? रात को कौन आता है? कोई नहीं आता, अमेरिका की रात को कोई नहीं आता। रंगीन को लविश भाई चला लाइव भाई, मैं सूफी को कह रहा हूँ कि चला लिया करो यार। सूफी चला, हम जैसे चलती चलती रिकॉर्डिंग सूफी चलाया करना सवेरे सवेरे। एक साल पहले ऐसे में मेरी चेयर से खड़ा होता था वो, जो मेरी दो कौड़ी की चेयर है, और मैं बाहर ऐसे ही मैं मुटता था घर के बाहर। वही इसी टाइम में मुझे सेम चीज करता था पारस, याद है? सेम भाई बाहर जाके ये भाई, अरे एक बार ये भी तो कर रहा था सूफी भी, ये भी दिखा गया था लाइव पे। देखो लाइव पे दिखा गया था भी। नहीं सूफी को तो मैं बहुत धार्मिक समझता हूँ, इसकी तो मैं बहुत इज्जत। ना ना ये भी दारू पी के भाई सारे धार्मिक खत्म कर देते। घर के बाहर सूफी सूफी भाई भाई ये पहले में हर ठंड पहले पारस की लाइव। हाँ पारस की लाइव चलती थी ना, तो भाई इसी टाइम पे मैं बोलता था कि भाई रुको मैं सूसू करने जा रहा हूँ बाहर, और लाइव तो ये सीन होता था, ये सीन होता था पहले सूफी भाई। भाई इसकी साइड में तीन मर्सिडीज खड़ी होंगी और बीएमडब्ल्यू खड़ी होंगी भाई साइड में। और कौन कौन है अब लाइव पे? और कोई, अरे बहुत बंदे लाइव तो कोई नहीं है यार। हाँ इस, अरे कुछ छोड़ के कुछ इसने आईडिया उड़ा दी, मुझे बता रहा था शनिवार को, मुझे कह रहा मैंने आईडिया उड़ा दी। लास्ट अरे अभी बोल रहा था वो बेचारे मोहित भाई की बोल रहा था यार, पनोड़ी। हाँ वो अभी वो सुना हो कि मोहित बात गई सर, उसके साथ क्या पंगा हो गया मोहित के साथ? लास्ट आईडी उड़ी गुड़गांव की शेरनी की 300K की यार, उसी के तेरे को तूने उड़ा दिया, गलत किया वो तो, गलत है भाई पूरा इंस्टाग्राम। अरे इनका पर्सनल रिलेशन है भाई, वो हमारी टेंशन नहीं है, वो इनका जो है ठीक है, वो इनको इनको संभालने दो। वो पनोड़ी का बहुत गहरा रिश्ता था उनसे, हमने सब देखा है भाई दोनों की। भाई देखो शेरनी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, दारू पीने के बाद तुमने जितने भी अमेरिका की ना शेरनी सबने फंडी उड़ा। कहीं ना कहीं सबके 200-500 डॉलर थे शेरनी दीदी, क्योंकि 300 की आई आईडी उड़ा ना। जेल तो लेगा मैं, पारस नहीं झेल पाएंगे भाई। भाई वो तो अरे उसकी लास्ट लाइव देखी थी, वो क्या नाम था उसका, वो एक वो लड़की गई थी उसके घर के नीचे बेचारी के, वो भाई वो लाइफ में तो मैं खुद बैठा था ना। हाँ हाँ वो वाली लाइफ देखी थी मैंने, वो मैंने बोला शेरनी तू बाहर निकल, हिम्मत है तो भाई वो बंदी घर के नीचे थी लवेश भाई। अच्छा शेरनी के घर के नीचे क्या वो लड़की गई दिल्ली, क्या नाम नाम नहीं पता मुझे, बिल्ली 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 लुथरा, बिल्ली लुथरा। जैसे घर के भाई तुम मेरे घर के बाहर आ जाओ लिटरली, और तुम मुझे बाहर से गालियां दो के बाहर निकल बहन के लौड़े, अगर तेरे में हिम्मत है तो भाई एक घंटे तक नौटंकी चली थी, शेरनी घर के बाहर नहीं निकली। अच्छा हकीकत में बात कर रहे हो? एक मिनट भाई, भाई आज तक कमेंट भाई आज तक जिंदा है भाई, डॉक्टर दिलजीत भाई आज भी कमेंट में जिंदा है भाई। ये बहुत अच्छी लड़की है, लेडी है भाई, बहुत जबरदस्त। भाई मैं राज की बात बताता हूँ, तुम्हें पता है लवेश भाई पारस भाई, मैं डॉक्टर ये डॉक्टर जलजीत मैं और गोल्डी भाई हम तीनों मिले थे, पता है तुम लोगों को? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। लास्ट बहुत अच्छे, लास्ट ईयर ही हम तीनों लोग मिले थे। दलजीत जो है उसकी फैमिली है राइट, उसके मम्मी पापा एंड उसकी फैमिली वो हैम्पस्टेड। दलजीत कहाँ रहती है तेरी फैमिली? मैं भूल गया, लॉन्ग आइलैंड में शायद। अच्छा अच्छा अमेरिका में भाई, अमेरिका छोड़, लविश दलजीत बाय बॉर्न अमेरिकन है बाय बॉर्न, सी कैन नॉट स्पीक हिंदी टू मच। भाई मैं तो भाई हम तो दो दिन साथ में रहे थे, हम दो दिन साथ में रहे थे। हाँ हैम्पस्टेड, हैम्पस्टन लॉन्ग आइलैंड का ये एरिया है हैम्पस्टन। हाँ हाँ एंड हम लोग मिले थे कसिनो में, हम लोग सुबह मतलब दोपहर में गए मैं और गोल्डी भाई, रात तक हम लोग वहाँ पे खेले, फिर गोल्डी भाई
गोल्डी भाई निकल गए अपने घर के लिए, मैं अपने घर पे आया। फिर दूसरे दिन मैंने फोन किया दलजीत को, मैंने बोला भाई मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो दलजीत ने बोला कि नहीं पनौड़ी अब मैं निकलूंगी, राइट। तो दूसरे दिन दोपहर में फिर वो निकल गई थी, हम लोग मिले थे यार। जब मैं इंडिया गया था ना तो मेरी बात होती थी पनौड़ी से डेली। पनौड़ी को पूछा मैंने कहाँ जाना, कह रहा है यार तू नीदरलैंड चला जा, एम्स्टरडेम। नहीं ना कोई मामे का लड़का ना कोई बुआ का लड़का, वैन से यार टिकट बुक करी एम्स्टरडेम चले गए। वहां सारे लोग जबरदस्त, एम्स्टरडेम में अच्छा है भाई इसके।